क्या खुशी है जो मरियम 8 बजे उठी है सुबह सुबह, वरना खुश है मरियम, मरियम में खुशी में सारे काम कर रही है। अनमोल आपको पता है कौन आ रहा है, पता है ना? चुप। कबाब रेडी कर लिए मरियम ने, वाव मरियम वाव। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका लाइव विद मरियम में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि कोई आ रहा है, तो आज वीडियो का टॉपिक यही है। तो कौन हमसे मिलने आ रहा है, कौन सी फैमिली जो मेरे लिए बहुत बेस्ट है और बहुत ज्यादा स्वीट है। तो आज आएंगे वो और उनके लिए तैयारियां हो रही हैं, क्या खाने में बन रहा है और मीठे में क्या है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत कुछ, खाने में डिशेस बनेंगी कोई 12 या 13 डिशेस मैं बना रही हूँ और मीठे में बहुत कुछ होगा। तो बस आपने वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचेगी। और मेरा इंस्टाग्राम आदमी फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा। तो चले गैस करें वो कौन हो सकता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में तैयारियाँ करने, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो गर्मी इतनी फुल है तो कोई बात नहीं, बस गर्मी है तो क्या हुआ कि हमने काम तो नहीं रोकना ना। और बस अब अपना वेट करें वो कौन हो सकता है, पूरी तैयारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं क्या पहनूंगी रेडी होके वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बस उसके बाद सारे बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चे बड़ी खुशी से मुझे देख रहे हैं कि मेरी पापा क्या कह रही है। तो बच्चे भी खुश हैं, जाहिर है घर में कोई आ रहा है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। मोल ज्यादा बहुत ज्यादा खुश है और ज्यादा बेबी, और साथ मेरा चिट्टा पापा जिसे मैं कहती हूँ चिट्टा पापा, वो भी बहुत खुश है। मेरी फैमिली है, जब शूट हो रहा था ना ज्यादा बहुत खुश होता है मुझे देख के, है ना ज्यादा बेबी जी। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ, अब बहुत काम स्टार्ट होने लगे हैं बस। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो के मतलब पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे की है आज की। तो चलिए जी मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो आज ना मतलब खाने में बहुत कुछ है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा है। तो बस ना तो आशा मेरा शूट कर दीजिए, आशा कहते हैं मैं थोड़ा शूट करूंगी क्योंकि मैंने आज बहुत मेहनत करनी है इस वजह से। तो मरियम कौन आ रहा है स्पेशल, कोई स्पेशल आ रहा है अच्छा, मेरे लिए बेस्ट है और स्पेशल है, इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना उसके लिए स्पेशल डिशेज बनाऊं। और ना बस ना ना जो ना पहले मैं ना बनाती हूँ सारी वो चीजें जिसके ऊपर मसाला लगाना, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले मैं चिकन बनाती हूँ, उसको मैरिनेट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन, स्पाइसी बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपने बर्थडे पे जो बनाया था ना वो इतना स्पाइसी नहीं था, तो ना उसी तरह मैं बना रही हूँ, लेकिन लेग पीस है चिकन के वो मैं स्टार्ट करती हूँ। चले तो ये देखें कट्स मैंने लगा के रख दिए हुए हैं। तो अब मैं सबसे पहले ना इसके अंदर डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आशा जी मैंने पहले भी बनाया हुआ है ना, हाँ। मेरी बर्थडे थी मतलब, तो आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी, तो इसमें मैंने लेमन डालना है। अब मैं डाल रही हूँ सिरका इसके अंदर, ये इतना सरा गया है, ये सिर्फ खत्म करते हैं आज, इतना डालना है सही है ना, क्योंकि लेमन भी डालें इसे सिरका इतना डालना है बस। अब मैं इसे हाथ के साथ सारा मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरका और जो मैंने लगाया लेमन, तो इससे ये होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। ये लगा के हम रखेंगे आधे घंटे के लिए, इस तरह लगा के ना हमने रख देना है बस। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आगे बहुत ज्यादा काम है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो चले जी अच्छा आधा घंटा हो चुका है, चले अच्छा ये है, उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी क्या है ये, क्योंकि दही है, इतनी दही ली है मैंने, ज्यादा नहीं लेनी ना। तो ना चम्मच के साथ ना मैं भी ये चाह रही तुम ये बनाओ, मैंने वाकई तुमने वही बनाया जो मैं सोच रही थी। ये देखिए सारा कुछ मैं डालने लगी हूँ इसमें, हल्दी ये है, गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर। तो अब डालना है इसमें धनिया पाउडर, ये है ब्लैक पेपर, ये है तिक्का मसाला, जीरा पाउडर, यह है फूड कलर, ये भी इसमें डाल दूँ। अब ऐसे मैं मिक्स करती हूँ, तो इस तरह हमने ना इसे मिक्स कर देना, अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। इसमें मैं ये भी डाल देती हूँ, ये हरी मिर्चें, एक एक ये रखें एक एक ब्लैक पीस में मैं लगा दूँ। चले अब ये सारे लगते हैं ना, आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह ये रेडी हुए हैं, ठीक है। चले तो मसाला सारा मैंने लगा दिया चिकन पे, ये देखें आप जिस तरह मैंने बनाया था, अब ये लगा दिया, ये देखें किस तरह लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये अब सारा लग चुके हैं ना। तो अब मैंने शॉपिंग बैग में इसमें ना करने लगी हूँ, इसी तरह रखूंगी। तो अब मैं रखती हूँ उसको फ्रीजर में बांध के। तो अब ना इसके बाद क्या बनेगा, अच्छा आपको पता है क्या बना रहेगा, अच्छा एक ये बन रहा और क्या। तो अब ना इसके अलावा बन रहा है, अब मैं कबाब का मसाला रेडी करूंगी। उफ़ लो।
चिकन का कीमा बना के उसमें मसाला डाल के अभी बनाऊंगी अभी थोड़ी चंद घंटों के बाद। अच्छा, ये फ्रीजर में रहेगा, ठीक है ना, उतने में सारे काम हो जाएंगे। और मीठे में क्या बनाना है वो भी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, बस अब मैं फ्रीजर में रखने गई हूँ, ठीक है। तो चले जी, अब मैं ना कबाब तैयार करती हूँ। कबाब के लिए मैं मसाला बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे चिकन है, तो यहाँ पे नमक मिर्च हल्दी डालनी है, और साथ ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने ना हरी मिर्च भी ना मैंने ग्राइंड कर दी है थोड़ी सी, किसी और प्याज भी, प्याज को पानी निकाल दिया था, ठीक है। और ये जीरा और सूखा धनिया और ये काली मिर्च, इन्हें मैंने करना है हल्का सा रोस्ट करना है। तो ये कुटी लाल मिर्च भी इसमें डालनी है मसाले में, और थोड़ा सामने ऑयल भी डालना है। मैंने कौन से कबाब बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ स्टीम कबाब, तो इसमें हल्का सा ऑयल डालना है क्योंकि फिर ना उसकी खुशबू आएगी, बस ज्यादा नहीं, हमने फ्राई भी नहीं करने हैं, स्टीम करने हैं बस। तो ये देखिए सबसे पहले आप क्या करने लगे, मैं तो अब मैं ये जो चीजें है ना सूखा धनिया और साथ काली मिर्ची और जीरा, इन्हें मैं ना रोस्ट करूंगी तवे पे, मैं इकट्ठे करने लगी हूँ क्योंकि अब ना एक एक करके फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। चलो इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है, और जब इसकी खुशबू आ जाएगी समझो ये हो चुके हैं। और ये बाजार में जो कबाब मिलते हैं ना वो ऐसे इस तरह बनाते हैं, लेकिन ये होता है कि बाजार की चीजें मुझे छीन लगती है, पता नहीं क्या उन्होंने गंद बोला होता है। इस तरह से जो कबाब मिलते हैं बाजार से, अच्छा पता है, पता नहीं लोग कहते हैं इसमें पोटे या फिर ओजी क्या डाल रहे। तो मैं कहती थी अपनी चीज अपने हाथों से बता बनाए, साफ सुथरी खाए, सही है ना। और ये चीज डाइट के लिए भी फायदेमंद है, जो ऑयल नहीं खाते लोग जैसे आशा और मैं, तो स्टीम कबाब जबरदस्त होंगे। मैं अक्सर बनाती होती हूँ, तो ना आज मैंने ना सोचा कि आज मैं यही बना रही हूँ, ठीक है। जो फैमिली आ रही है ना बस वो ज्यादातर मीठा शौक से खाती है, और ये स्पाइसी चीजें भी खाती है, कुछ लोग हैं तो कुछ लोग के मतलब ऑयल फ्री चीजें भी खाते हैं ऐसे यार। तो वैसे भी ना ऑयल ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए फ्राई की, इसलिए मैंने कोई चिकन का ना फ्राई जिन्होंने खास चाहिए मैं खाया, और कबाब का भी, ठीक है ना, बस ये हो गया। इसका हल्का सा कलर आ जाएगा और साथ इसकी खुशबू आ गई, समझो हो गया। तो मैं प्लेट में डालकर ठंडा करके ना फिर हम इसमें मिक्स करते हैं सारे मसाले, ठीक है। तो चलिए ये देखें, जब मैंने रोस्ट किया इनको इस तरह आपने निकाल देना है, और इसमें मैंने ना कुटी लाल मिर्ची भी ऐड कर दी थी जितनी हमने चाय हमें कर दी है साथ उसके हो गई है। अब मैं इसको करने लगी हूँ ठंडा होके, आपने करना है ठंडा करके इसमें डाल के ना इसको मिक्स करते हैं, चलिए ब्लेंड करते हैं इसको। चलो जी स्टार्ट करते हैं इसको। तो सारे मसाले अच्छा हो चुके हैं, बन चुके हैं, ये मैंने इसमें बनाया, ये कितना प्यारा हो गया ना। तो अब ना चिकन और साथ ना प्याज ये सब कुछ बना के मैं ऐसे ना चोपड़ में ऐसे चोप करती हूँ, सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। चोपड़ का ये फायदा होता है ना, लेकिन फिर भी मैंने हल्का कस्तो सबको ना मैंने किया हुआ है, ब्लेंड किया हुआ मैंने, ठीक है, आसानी हो जाएगी। अब मैं ये डालने लगी हूँ, मैंने मैथा रोस्ट करके बहुत मजेदार इसकी खुशबू आ रही है, वाह। बस चले मैंने इससे डाला कि जो बीच में थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी साथ हो जाएंगे, ठीक है। चले जी, तो चले जी आशा आप बनाए, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें आशा ऑन करती होती है। चले जी हो गया, निकाल दें इसको, इस तरह निकाल के। चलो ठीक है, अब दूसरे मसाले डालते हैं नमक मिर्च। तो चलें जी, इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक और साथ हल्दी और साथ कुटी लाल मिर्च और साथ थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया। अब इसे मिक्स करने लगी हूँ मैं हाथों के साथ, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं इसके बनाऊंगी कबाब, एक सीख मैंने क्या ही हुए देखो, अच्छा इसके साथ बनेगी कबाब। पहले मैं बनाती थी छोटे साइज के, इस तरह मैं बना रही हूँ कि मतलब थोड़े से हों, मतलब कितने बनाऊंगा कितने साइज के मुझे क्या पता हो, जितने मर्जी नॉर्मल साइज के बनाते हैं, छोटे नहीं बनाने जाना है। चलो बनाती हूँ मैं अब इस तरह, अभी इजीली बन जाते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, ये सारे बना के ना कबाब फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मैंने बनाए हैं। चलो तो ये देखें सारे कबाब रेडी कर लिए मरियम ने, वाओ मरियम वाओ, इंसान हिम्मत करे सब कुछ हो सकता है। मैं अंदर से मुझे पता नहीं चला और मैं बाहर आई हूँ तो ये देखें जी इतने अभी लास्ट मैंने बनाया देखिए कितना प्यारा बनाया लास्ट, अब ऐसे कैसे निकालती हूँ ये देखें, बहुत ही टैलेंट है मरियम के अंदर, ये देखें ये बन गई है बस अब लास्ट था। तो चलिए जब रखती हूँ मैं इसे फ्रिज में, तो बाद में करते हैं इसको देखते हैं कब बनना है, सही है। चलिए इस तरह फ्रिज में आ जाएगी बस, चलो हो गया काम। हम अब हम किस तरफ आते हैं, मीठे की तरफ, रेस्ट कर लो। मीठे में क्या क्या बन रहा है पता है? नहीं। चार डिशेस, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी हैं।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीठा बनाना। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मैंगो डेजर्ट। ये देखें, ये बिस्किट्स को मैंने चुरा चुरा कर लिया है। ये देखिए, मैंने आपको दिखाने टाइम नहीं है इसलिए ये बिस्किट मैंने यूज़ किए हैं, सुपर वाले चॉकलेट वाले बिस्किट्स हैं। तो ये मैंगो है तो हमें इसको क्रीम के साथ ब्लेंड करना है, ठीक है। तो ये मैंगो चंक्स है तो हम रिपोर्ट के लिए इसको कर देते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। इसमें डालती हूँ ये मैंगो। आजकल मैंगो के कलर अजीब हो गया है, मैंगो जाने वाले हैं। तो चले जी, देखें कलर भी कितना प्यारा फिक्स हो गया है। गर्मी इतनी शदीद है ना, मिश्रण लेके अंदाजा हो गया होगा कितनी गर्मी है। तो सबसे पहले ना इसमें ना बिस्किट सारे इसको डालती हूँ, ठीक है। इस तरह बिस्किट डाल के फिर हमने इसको मैंगो डालना है। अगर मैंने डाल दिया, मैं इस पर क्रीम डालने लगी हूँ जो बनाई थी मैंने, और फिर मैं इसके ऊपर सारे बिस्किट डाल देती हूँ। इस तरह किस तरह लग रहा है आशा आपको? तो चले जी, क्रीम डालती है। अब लास्ट में ना बस ऐसे डिपोर कर देनी है, ठीक है। मैंगो प्यूरे मरियम ने लेयर लगा दी और अब लास्ट में ना ये कर रही है, मैंगो चंक्स लगा रही है। तो अब मीठे में क्या बनने लगा है, तो ये देखें। अब मैं बना रही हूँ लजीजा खीर। तो स्टार्ट करती हूँ। दूध काफ़ी गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ लजीजा खीर का पैकेट। इसमें ना मतलब चीनी वगैरह सब कुछ ही होता है, इसलिए इसमें डायरेक्ट या सीधा जाएगा। ये मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से, फिर रेडी हो जाती है। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह मैंने बनाई है। खीर हमारी रेडी हो चुकी है। लजीजा खीर ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि खीर बनाते वक्त ना बहुत टाइम लगता है। तो बस अब ये रेडी है, ये देखें। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, इसमें डालती हूँ ठंडा करके। चलें अब नेक्स्ट क्या बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब क्या है नेक्स्ट जी, अब मीठे में बना रही हूँ ये देखें, ये है शीर खुरमा मज़ेदार। तो जब मैं इसमें डालती हूँ दूध, ये इजली बन जाता है। और इसके बाद ना कुछ और भी है, शायद सिर्फ मीठा ये नहीं है, और बहुत कुछ है। वेट करें बस, अब क्या क्या है। ऐसे जैसे दूध गर्म होता है मैं इसमें ये डाल देती हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। फिर जब ये रेडी होगा और चम्मच चलाते रहना। हाँ चम्मच चलाते रहूँगी, साथ साथ आपको दिखाऊंगी किस तरह लुक आ रही है। चलो जी, दूध गर्म हो चुका है, देखें बॉईल आ चुका है। हाँ इसमें डाल रही हूँ शीर खुरमा। वैसे कहते हैं ईद पे भी बनाते हैं, तो जैसे कोई मेहमान आए हों, मतलब मेहमानों के लिए भी मुद्दा बना सकता है क्योंकि ज़्यादातर मेहमान मीठा का शौक से खाते हैं। तो चम्मच लगाओ साथ साथ। अब इसे हलाती हूँ ऐसे करके, मिक्स करती हूँ। अब इसकी बहुत प्यारी लुक आएगी जब ये सारा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा दूध। शीर खुरमा भी हमारा रेडी हो गया है, डिश आउट करती हूँ मैं इसको। तो अब मैं रेडी करने लगी हूँ वनीला कस्टर्ड। तो इसमें मैं जेलीस मैं बना चुकी हूँ और ये केक है। तो डिकोर मैं बाद में करूँगी, अब कस्टर्ड को मैं पकाती हूँ, फिर ये चीज़ें सारी इसमें ऐड होंगी, फिर बाद में आपसे शेयर करूँगी किस तरह मैंने डिकोर की है। हमारी एक और डिश रेडी हो चुकी है, कस्टर्ड हमारा रेडी है। इसे हम अपना सेट करते हैं किस तरह करना है। ये देखें पैर में नीचे केक रखते हैं इस तरह। ये देखिए बस, ये देखिए डिकोर हो चुका है हमारा। इस तरह मैंने अपने स्टाइल से बनाया है कस्टर्ड, ना आपने किसी रेसिपी देखी है ना कुछ, बस बन गया। ये मेरी चारों डिशेस रेडी है मीठे की जैसा देखोगा। तो अब मैं जो मैंने बनाई थी ये खीर, मैं करूँगी गार्निश इसको। इसकी मैंने ऐसे गार्निश कर दी है। अब ये जो शीर हुआ था उसके ऊपर मैं लगाऊंगी चांदी का वर्क इस तरह। खीर भी चांदी है, मैं लगा दूंगी इसके ऊपर चांदी का वर्क। तो ये देखिए ये लग चुका है और ये डिश रेडी है मेरी, ये भी है और कस्टर्ड भी और मेरा मैंगो डेजर्ट भी रेडी है। देखिए अब मेरी चारों ना स्वीट डिशेस रेडी हैं। तो अब मैं इसमें रखती हूँ फ्रिज में, जो बाकी चीज़ें रह गई हुई हैं अब मैं उनको पकाना शुरू करती हूँ। जिस तरह मेरा चिकन था और साथ में कबाब है, उसके बाद एक और चीज़ बनेगी लेयर्स बिरयानी, जो मैंने ईद पर बनाई थी ना, ईद के बाद मैंने बनाई थी ना लेयर्स बिरयानी। तो फिर वो आज मैं सोची लोगों ने बहुत पसंद की थी तो आज मैं वही बना रही हूँ। वैसे भी जो मेहमान है ना वो लेयर्स बिरयानी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं स्पाइसी। तो इन चीज़ों को मैं रखती हूँ फ्रिज में
ये आधा मेरा काम हो चुका है, अब आधा रह गया है। कबाब भी मैंने अभी स्टीम करने हैं, चिकन भी करना है, और भी काम है अभी। ठीक है, करती हूँ अब मैं। अब मैं सबसे पहले अपना कबाब स्टीम करती हूँ। अब मैं कबाब स्टीम करने लगी हूँ, ये देखें कबाब स्टीम हो रही है। तो उसके बाद फिर मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहन के जा रही हूँ। जा नहीं रही, पहनने लगी हूँ तो आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने लेयर्स बिरयानी भी बनानी है, पहले रेडी हो जाऊँ फिर बनाती हूँ। अब मैं ना अपने कपड़े चेंज करने लगी हूँ, रेडी होने लगी हूँ, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। और जो आयशा है आप भी रेडी हो जाएँ। आयशा तो मैं निकालती हूँ, दिखाती हूँ क्या पहनना है मैंने आज। तो ये देखें, आज मैं ये मैं ड्रेस पहन रही हूँ, और ये मुझे किसने गिफ्ट में दिया था तो इसी वीडियो में पता चल जाएगा आपको। मैं बताऊँगी कौन है जिसने मुझे ये ना गिफ्ट में दिया था। कैसा सूट है आयशा? अच्छा है ना? तो बस ये थी स्टिच हुआ है, और ना जिसने मुझे गिफ्ट में दिया था उन्होंने स्टिच करवाया है ये। ठीक है ना, तो बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ है। इसकी बात इस तरह नहीं है, देखे ऐसे देखो इस तरह बने हुई है। मैंने कपड़े लिए हुए, मेरे स्टिच नहीं हो सके। तो चले ना, अब मैं ना रेडी होती हूँ। तुम्हारे लिए बड़ा खास दिन है, तो आज मेरे लिए जो मड़ियन इतना काम किया, आज तक इतना काम नहीं किया, साथ ना ग्रैंड पार्टी आज। अच्छा, मड़ियन इतना काम कभी नहीं किया जितना आज किया है। बस आप ना सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, चलो ठीक है। मैं फिर अपना पहनती हूँ ये ड्रेस और रेडी होती हूँ। चलो, और आप भी सोच लो क्या करना है आपने। तो हाँ जी आयशा, अभी मुझे नींद में उतना सुबह सुबह आज मरियम ने उठा दिया 8 बजे। वैसे मरियम उठती होती है 12 बजे, 12 बजे नहीं उठती थी मैं, 11 बजे उठ, 10-11 बजे उठ जाती हूँ। उठ रही है तो मैं हैरान हूँ कि आज क्या खुशी है जो मरियम 8 बजे उठी है सुबह सुबह, वरना मरियम 12 बजे से पहले। आपको पता है कि कुछ ऐसी तैयारियां थी वो मैंने करनी है, जो मेरी सुबह वाली थी रह गई थी, रात को मैंने कर लिया था सब कुछ। तो जाहिर है जब किसी ने आना होगा घर में तो इंसान जल्दी उठता है, आप लेट थोड़ी उठता है 12-1 बजे। कुछ जरूरी काम थे आशा, आप मेहमान आने वाली हैं तो क्या है? उनके सामने करना है सब कुछ? नहीं, वैसे बात करी ना, आपको फर्स्ट टाइम देखा मैंने जल्दी उठते। अच्छा, मैं हमेशा जल्दी उठती होती थी हमेशा। अच्छा, चलिए ठीक है। मैंने अभी नाश्ता भी किया, मेरी तबीयत मतलब ऐसे हो रही है कि डाउन हो रही है, बीपी लो हो रहा है मेरा, क्योंकि मैंने रात को बहुत मतलब लेट मतलब थोड़ा सा खाया होता है। चलो आप नाश्ता करके ना फिर रेडी हो, क्या पहनना, कुछ कपड़े पहनो आज। आपको पता है कोई आ रहा है और बहुत जबरदस्त फैमिली आ रही है, बेस्ट और स्पेशल मेरे लिए। तो बस आप कंफ्यूज ना हो, कपड़े पहन के रेडी हो नाश्ता करके। हैं, चलो ठीक है। मरियम अभी तक तुम रेडी नहीं हुई, तैयार ही नहीं हुई। तो आप हो गई रेडी? नहीं, मैंने तो अभी नहाना है। नहाने अभी? हाँ। अच्छा, तो काम सारे कर लिए, कंप्लीट हो गए अभी काम। तो बस जाहिर है कोई गाय मेहमान आना हो किसी ने तो काम करते हैं। मरियम बड़ी खुशी है, बहुत खुश है मरियम। हाँ। मरियम खुशी में सारे काम कर रही है, सारे काम कंप्लीट कर लिए ना। मरियम खुश हो ना, बहुत काम करती है। तो जाहिर है इंसान काम करती हूँ, परफेक्ट करती हूँ, बेस्ट। हाँ। अच्छा काम करती हूँ। अब मैं ये थोड़ी हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ नहीं आता, हर चीज़ आती है, सब कुछ आता। तो सब कुछ बना लिया अभी आज मैंने, आपको उठने नहीं दिया पता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने बनाई हो, सब कुछ मैंने बनाया आज। तो अभी हैरान हो गया, मैं कहती बड़ी, अम्मी कहती बड़ी तुम्हें इतना कुछ आता है, मैं अम्मी इतना कुछ आता है तो ऐसे थोड़ी मैंने जिंदगी गुजार दी है, इतना कुछ आता है, सब कुछ आता है हमें शुक्र अल्लाह का। और सब कुछ तैयार है अभी, चावल चावल रह गए हैं बस। चले फिर आप भी तैयार हो जाए हैं। मैंने ना बच्चे अंदर अभी सोए हुए हैं, स्कूल अभी, हाँ अनमोल स्कूल है, चिटा बाबा उठा नहीं अभी तक, तो अभी रेडी होता है फिर प्यारा सा तैयार होगा आज। मैं सफाई करवा रही हूँ, बाहर से सफाई करा के फिर मैं नहाती हूँ। अच्छा, तो चले जी अभी आप रेडी है? हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और अभी बहुत ज्यादा खुश है, और ये सब आप सबके लिए सरप्राइज है कि कौन आ रहा है ना अभी। अच्छा, अभी बताया नहीं हुआ? नहीं, अभी मैंने किसी ने नहीं बताया, जब वो अंदर एंटर होंगे ना फिर पता चल जाएगा सबको कौन है। तो बस अभी अब मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है ना? तो आशा भी रेडी है, सब रेडी है। अब मैं अपनी लुक दिखाती हूँ। इंसान होता है जो आपसे प्यार करे फिर आपको भी उनको ऐसे पड़ता। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब ये है कि जो इंसान किसी से अच्छा प्यार से पेश आए ना तो अगला भी प्यार से पेश आता है, उसे पता है कि हम हमारे साथ इतना प्यार करता है तो हम भी उससे प्यार से पेश आए हैं ना, वो भी हमारे साथ करते हैं। तो कोई ऐसे लोग होते हैं मैं बताऊँ कि मतलब ना उनसे इतना प्यार कर लो लेकिन वो हमें अच्छा नहीं समझते, तो फिर भी ना जो लोग मतलब प्यार करते हैं ना उनसे भी अच्छा पेश आना चाहिए ताकि अगला भी वो ठीक हो जाए जो नफरत करता है किससे। एक मसाल दे रही हूँ मैं, दुनिया की एक मसाल है, ये नहीं है कि मैं किसी को कह रही हूँ, ठीक है ना भी? वैसे भी हमारा सबसे प्यार है, हम सबको प्यार करते हैं, किसी को बुरा नहीं समझते।
तो चले जी मैं रेडी हूँ और ये नया सूट मैंने आज पहना है, तो ऐशा बताओ कैसा लग रहा है मेरे पे? सूट कर रहा है? हर चीज सूट करती है, सूट कर रहा है मेरे लिए, है ना? ये कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो आज मैं फर्स्ट टाइम पहना है और मुझे पैक भी इजी फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, पहली दफा यहाँ, और पतली भी हो गई यहाँ, इतना काम के पतली हो, मुंह सूज जाता है, पता देखो आज इतनी पतली लग रही, ऐसे काम करो कि वेट कम होगा। एक मैंने इस बात सोची है, फिर अगर खुश हो ना मैं, मेरा वेट कम हो जाता है, मैं नोट किया, अगर मैं दुखी रहूँ ना तो फिर इसका मतलब इंसान मोटा रहता है दुनिया में, ऐसे भी रह नहीं, अच्छा इसलिए मोटी हो गई है ना, खुश रहना चाहिए। हाँ। नहीं आपने काम बड़े किए हैं, वरना आप आराम करती हैं इसलिए आपका वेट बढ़ता है, बैठ के बस वेट सोना काम इसलिए ज्यादा नहीं सोई, मैंने क्या किया, कहीं से नीचे गिरी हूँ, कहीं से कुछ हुआ, कहीं से हाल चला है, जो सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, बस मेहमान आने वाले हैं, भाई जगह वेट करते हैं, चलो ठीक है ना, शाम में मेरे साथ आ जाओ। अब बन रही है लेयर्स बिरयानी, चावल यहाँ पे बॉइल करने के लिए रख दिए हैं और यहाँ मसाला रेडी हो रहा है, या मसाला भून के अच्छी तरह उसके अंदर मैं चावल ऐड कर लूँगी और लेयर्स लगाऊंगी, तो बिल्कुल उसी तरह बना रही हूँ जिस तरह मैंने ईद के पहले दिन बनाई थी छोटी ईद पे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी मेरी ये वाली रेसिपी, तो ना बस अब जैसे रेडी होती है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मसाला अभी रेडी हो गया और चावल भी बॉयल हो गए हैं, अब लेयर्स लगने लगे हैं, चावल इस पे मसाले पे हमने डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैं डालूंगी यहाँ पे धनिया और साथ पुदीना, तो ये देखिए मैंने धनिया और साथ पुदीना भी डाल दिया और थोड़ा सा मैं कलर डालूंगी, तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा मसाला डालती हूँ, सारा मसाला डाल के चावल और साथ फिर गार्निश करती हूँ उसकी धनिया और पुदीने की और कलर की, और कलर में हमने वो भी ऐड किया है बिरयानी, इसे हमने ऐड किया है कलर के साथ, लास्ट लेयर लगाई है, मैं इसके ऊपर पुदीना और धनिया ऐड करती हूँ और साथ ये जो कटी हरी मिर्ची हैं ये मैं डालती हूँ इसके ऊपर। चलें जी अब रेडी हो चुका है हमारी लेयर्स बिरयानी, पिक बाप रेडी हो गए हैं और यहाँ पर मैं कोयले का सिर धुआँ देने लगी हूँ, जबरदस्त हो जाएगा, अब इसको मैं कवर करने लगी हूँ, कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसके ऊपर ना गार्निश करती हूँ इसकी प्याज की, गोल गोल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बनेगा ये, तो सारे प्याज मैं इसमें डालती हूँ फिर इसमें दम पे रखती हूँ, फिर आप देखिए प्याज की कैसी लुक आती है कबाब के साथ। तो ये देखिए हमारी प्यारी अनमोल भी रेडी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा खुश है ना, है ना, और यहाँ चिट्टे बाबा भी तो पड़ा लग रहा है, यहाँ बैठता है शौक से और यहाँ पे टीवी देख रहे हैं बच्चे, तो अनमोल आपको पता है कौन आ रहा है, पता है ना, चुप चिट्टा बाबा भी देख रहा है, चिट्टा बाबा खुश है, वो पाला लग रहा है मुझे। तो अब यहाँ पे फ्राई हो रही है शामी टिक्कियाँ, ये भी हैं साथ, और यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है ये देखें, और इधर हमारा जो स्टीम चिकन था वो भी रेडी है ये देखें, ज़बरदस्त हो गया है, तो आप देख के हैरान हूँ, ये देखें बिरयानी, ये चिकन तंदूरी चिकन टिक्का, ये शामी कबाब और ये कबाब, क्या बात है, मम्मा भी हैरान है आज मरियम ने जो किया है ना, अच्छा क्या बात है, खा के ये भी बिरयानी है जबरदस्त लगी है, मुझे तो भूख लगने स्टार्ट हो गया मम्मा, मुझे भी खुशबू से, तो चले जी मेहमान आ चुके हैं, बहुत वेट करवाया मेहमानों ने, आ गए मेहमान, चलो अस्सलाम वालेकुम, बहुत कमजोर हो गए, क्या हाल है, ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, अनमोल जी वो भी मिले, हाँ अनमोल क्या हाल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है तुम्हारी, अनमोल तो बहुत दो इंसग्रेड है किचन विद बेबी जाने के लिए चची, और ये है मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, आप लोगों को पता ही होगा बार बार मिलो, तो ये थे मेरे स्पेशल मेहमान, चलो अब बैठी मैं आपके जूस ले करती हूँ, बैठ जूस मैंने डाल दिया ग्लासों पे, मैं लेके जा रही हूँ, चले जी मैं दे रही हूँ उनको जूस पिए, आप मैंने पहले रेडी किया था, मुझे पता आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद सब पता है, क्या
तो पहले मोटी थी पहले थी ना चले मिलो तो मैं कैसे लग रही हूँ मुझे भी बताओ मैं कैसे लग रही हूँ हाँ पता तो है कपड़ों का आज इसने सुबह उठी है इसलिए बड़ा सही होती है कि स्मार्ट नहीं कि तू बहुत ज्यादा हो ना कहा स्मार्ट हो ये स्मार्ट नहीं है ये कमजोर है कमजोर कहते हैं इसे और कितना स्मार्ट होना पता होना ये और वीडियो किसे कमजोर कहते हैं और मुझे कहते हैं सेहतमंद तो मोह देख लिया मेहमानों को मजा है अच्छा आप लोगों को लगता है पतली पर मेरी अम्मी और मणियों को लगता है मैं बहुत मोटी नहीं ये कह रहे हैं ये बात अपना खत्म तो नहीं पूरा दिन यही बात चलनी है चलें बस आप जूस पिए फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं चलें अब मैं रखती हूँ बारी बारी कितने डिशेस बनाई मैंने 12-13 पता नहीं ये 1-2 स्टार्ट हुई है वाओ आज तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें घर में मिल जाएगा खाना रेस्टोरेंट जैसा स्मार्ट कितनी होगी देखो मणि स्मार्ट होगी आज इतनी मेहनत किया तूने दो दिन से मेहनत हो रही है ये भी है साथ में ये बाप ने बनाई है अब खाक पे चलेगा स्पाइसी आप तो प्यार में हर चीज हो जाती है पता आपको ये देखिए जी प्यार हो गया है इन्हें ये चीज अब साइड से करें आशा से कोई प्यार नहीं करता इतना मम ना करती हूँ मैं तो नहीं करती मैं क्या कह रही हैं आप समझ नहीं आई मम्मी कैमरा मैन की कोई इज्जत नहीं करता कैमरा मैन बेचारा भी खड़ा रहता है गर्मी में साथ चाहे खाना बन रहा हर चीज मैंने तो आ जाए मेहमान आ जाए खाना लग चुका है बैठ जाए आप देख लो और बता दें खाना ठंडा तो नहीं हो गया आती हूँ पहले तुम लोग बैठो इधर बैठ जाए मैं भी आती हूँ तो कैसा लगा चावल कैसे लगे बहुत अच्छे पहले खा तो ले खा तो रही हूँ मरियम के हाथ में जादू है जादू मरियम जादू कर रहा है नतीजा आप ही डाले चिकन पहले चिकन ट्राई करें आप जरा देखे पहले ये तो करने एक चीज तो पहले खाए खाकर सारी चीजें बताएंगे सब कुछ ठीक है मीठा बाद में रखेंगे तो हाँ जी कैसा लगा खाना मेरा सारी चीजें बहुत मजेदार कबाब भी और चिकन भी और बिरयानी बहुत मजे की बनी स्पाइसी अच्छा मरियम आपने जो रोस्ट बनाया बहुत मजे का बना थैंक यू मजा आया सारी चीजें अभी अपने मीठा खाना बाद में खा हाँ मीठा जबरदस्त है क्या कमाल का मीठा देखो आशा मेरे साथ बैठी हुई है आशा भी बोले अच्छा आशा कैसा लगा खाना आशा आपने मेरे साथ मिलकर शूट किया था ना बताएं कैसा है कबाब का वो कैसा बनाया मसाला बहुत अच्छा लगा आशा खा रही बोल नहीं सकती मैं बोल देती हूँ है ना आशा हाँ बिरयानी मैंने खाई वो अच्छी है अच्छा बिरयानी भी अच्छी थी सारा कुछ अच्छा बना अच्छा और ये मेरी कजन खतीजा है खतीजा आपको कैसा लगा बहुत अच्छा चले और यहाँ पे मेरी अनमोल भी खा रही है अब खा रही है ना चले जी अनमोल आप ये भी खा दें कबाब कबाब नहीं खाना मिर्चे हैं अच्छा चले भी अब खाएं उसके बाद हम मीठा खाते हैं तो चले जी मीठा आ गया क्योंकि चची बहुत ज्यादा मीठे की शौकीन है चची के लिए बनाया अम्मी भी शौकीन हो चुकी है पहले से आप पता नहीं कहीं शुगर है आपको शुगर तो नहीं है चेक करा लें पता ही नहीं होगा अम्मी को देर से पता चला था वो नहीं जो मीठा खाता उसको होती है दादा हां धनिया मत चम्मच भी ले आओ तुम शक्ल से तो अच्छा लग रहा है Oh my God, कितने मीठे बना रहे हैं ये तो बहुत जबरदस्त कमाल चलें जी आप खाना शुरू करें मैंने चची अब टेस्ट करने लगे मैंगो वाओ मजेदार
हतीजा आप क्या खाएंगी चारों में से? अनमोल आप भी आ जाओ खा लो, अनमोल जरी खानी है, आ जाओ अम्मी। अम्मी को पहले मीठा इतना अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगना शुरू हो गया। अच्छा और मैंने इतना मीठा बनाया लेकिन मैं मीठा नहीं खाती शौक से। मैंने सिर्फ चची के लिए और सबके लिए, जो भी खाते हैं मीठा, ये नहीं चची के लिए, सबके लिए बनाया है, ये ना सोचे। नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू। हतीजा तो बोलती नहीं है, हंसती है बस। आशा आप क्या खाएंगी? आशा क्या खाएंगी? ये मेरा दिल कह रहा था। तो मीठा हम सबने खा लिया तो बहुत मजा आया मीठे का। तो अपना जैसे मीठा खाया सुबह ही इतनी बारिश तेज हो रही है, लगी ना मैं हमें देखी इतनी तेज बारिश हो रही है। और मैंने दुआ मांगी थी कि आज के दिन ना बारिश हो जाए, तो हो गई है। देखो मौसम अच्छा हो गया है। हाँ जी, बारिश इंजॉय करके आ गए हम, बहुत मज़ा आया बाहर। तो हम तो थोड़े थोड़े गीले भी हो गए हैं। तो आज आपके ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आपने मुझे गिफ्ट किया था। हाँ, और जो मैंने गिफ्ट किया था वो आज आपने पहना। हाँ, आज मैंने सोचा ये वाला पहनूँ, अच्छा लग रहा है ना। मुझे उम्मीद नहीं अच्छी लगूंगी लेकिन अच्छा लग रहा है बस। मुझे ये कलर बहुत पसंद है, मेरे आने की खुशी में। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, खुश हो गया। इसमें जो आता है कलर, ग्रीन कलर, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और आपका भी बहुत अच्छा प्यारा स्टिच किया हुआ है। क्या करें, हमारी नजर नहीं है क्या? और सुनाए, अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक। बहुत मतलब आप ना फर्स्ट टाइम यहाँ आई है हमारे घर, फर्स्ट टाइम आई। वैसे चची जाती होती है काफी से बात। हाँ, घर में बहुत आया करती थी, वहाँ पे भी मज़ा आता है। तो इसलिए बहुत खुश थी कि आप फर्स्ट टाइम आई है यहाँ पे, क्योंकि मज़ा आया, इंजॉय करो। बच्चा भाई चला गया। हाँ, वो ज्यादा बाहर रहा है, बारिश गिरना चाहे आज मॉल के साथ होता है वो। और मरियम के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया बस। अब इंशाल्लाह मरियम दोबारा चक्कर लगाएगी हमारी तरफ। हाँ, फिर हम खूब मज़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा मौसम चेंज हो जाए। हाँ, गर्मी कम हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे कह रही थी कि ना कि हम चलते हैं, मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाना, तुम लोगों ने 10 बजे से पहले नहीं जाना। ठीक है बंदी है कोई यही कि अब हम इंजॉय करेंगे, अब खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, बस अब क्या है, बैठ के बातें करेंगे, अब चाय पियेंगे ठहर के। ठीक है ना। चले जी, आप सब इधर आ गए, इसलिए आ गए कि ना इधर उधर ना एसी है और हम बैठते हैं, और इधर एसी नहीं है लेकिन इधर बैठते हैं इजी होके सारे। हाँ। तो चले जी, मेहमान बहुत कुछ लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए हैं, सबके लिए आए हैं। वाह वाह, मैं बैठती हूँ के साथ। तो मुझे बताएं किसके लिए क्या क्या है। थैंक यू, थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, बर्थडे की तो मैं आना था। अच्छा, बर्थडे की। हाँ जी, अभी बर्थडे का क्योंकि, और वैसे भी चक्कर लगाना था स्कूल में से तो आ और मिल लो तुमसे आ गए, अच्छा लगा। थैंक यू, यू वेलकम। चलें तो चची क्या रखी है? ये खतीजा की तरफ से, खतीजा की तरफ से, खतीजा का है। थैंक यू खतीजा, खतीजा के लिए साथ दो। थैंक यू खतीजा। ये अनमोल के लिए, अनमोल ये ले। ये नहीं करती मैं, खाती हूँ चिटे बाबे के लिए। तो ये अनमोल के लिए आया है सूट, बहुत ही प्यारा कलर है, लाइट कलर है। अनमोल को पसंद आया? अच्छा, अनमोल अनमोल सूट करेगा। अनमोल इधर आओ, आप दिखाओ लगा के, लगा के दिखाओ, अच्छा लगेगा आपको। अनमोल बड़ी हो गई है, अब तो अपने अलमारी में निकालो पहन के आओ भी। चलो दोस्ती हो गई थी आपके साथ। चलो बिल्कुल, थैंक यू कह दो। कह दिया ना, कह रहे लगा के किस करके। गर्मी है, तो अब रह गया एक गिफ्ट, वो किसका है चची? ये तो बड़ा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, जिसका नाम फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड का नाम है आयशा। आशा आपको गिफ्ट है आयशा के लिए। और ये मैं लेकर आई अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। क्या जरूरत थी, होती कोई बात, गिफ्ट तो गिफ्ट है। आशा आपने तो बताया नहीं आपकी बेस्ट फ्रेंड है चची। अच्छा ठीक है। और ये जो मैं लेकर आई हूँ ना, ये मोमना दी। हाँ जी, मोमना। इतनी ज्यादा मोमना खाएगी सब
ठीक है। और इसमें जो है ना चीजें मरियम के लिए, ये हम ना चाय के साथ जब खाएंगे ना, मैं खोल के दिखाऊंगी इसमें क्या है। हाँ, स्पेशल चीज है कुछ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, गिफ्ट लाए हैं आप, तो मैं तो कह रही थी रहने देती है ऐसे ही। चलो आशा खुश है, अच्छा अपना गिफ्ट खोल के दिखाएं क्या है, खोल के दिखाएं। तू भी खोल ले, मैं भी खोलती हूँ, ओपन करके देखते हैं क्या दिया है। चल यश अपना गिफ्ट ओपन कर रही है, पहन लेगी। अच्छा पहन के दिखा, ब्रेसलेट खोलना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, मेरे काम आ जाएगा ट्रिप में जाने। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं ओपन करती हूँ। इस दफा गिफ्ट सब सामने तो लग रहा है। और मरियम के हाथ खुशी से मरे को ऐसा लगा पसंद है उसको। ये मैं लूंगी पहनने के लिए, ये बड़ी मुश्किल था तुम पहनने के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खूबसूरत है ये। अब ये भी मेरी तरफ से, अभी पसीना आ रहा है, मैं बात करूंगी। मुझे तो ये बहुत, मुझे तीजा की चॉइस बहुत अच्छी लगी, ये ब्रेसलेट में तीजा की चॉइस थी ना। अच्छा मेरी घड़ी भी अच्छी है, ये भी अच्छी, मेरी घड़ी भी अच्छी है, वो भी इसकी चॉइस है, तीजा की चॉइस है घड़ी घड़ी, पर वो तो है अच्छी। अच्छा ये तो खोल लो मैडम। चलो जी अभी ओपन करती हूँ, ये ना बस बहुत वेट है सबको, इसमें क्या है ना मोटो। मैंने सुना है मेरे पर है तो फिर चॉइस अच्छी है। अच्छी तो रहो, यहाँ गिफ्ट ओपन हो रहा है। चले चले ये देखें, खुशी से पागल हो जा रही है मरियम। ये देखें, ये सूट ले गए मेरे लिए। कैसा सूट है आशा? अच्छा लग रहा आशा, हाँ बहुत प्यारे लगे हैं। आप मैं देख रही हूँ ये भी है साथ में, ट्राउजर इसका कितना खूबसूरत बनाया है, ये देखो नीचे से। और इसका साथ ये दुपट्टा बहुत प्यारा है, दुपट्टा बहुत अलग है इसके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सोच दिया आपने, मैं फिर पहनूंगी ऑप्शन में। के चची के चैनल को सब्सक्राइब करें, किचन विद देवी को, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, जाकर विजिट करें चैनल पे और इनकी वीडियोस देखें, बहुत मेहनत से बनाती हैं। तो आज का दिन बहुत मज़े का था चची के साथ हमने स्पेंड किया, तो चची ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे, तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपने चिकन लेंगे। हाँ, मैं लगाऊंगा, हम भी आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मोमना भाभी ने चाय बनाई थी, सबने चाय पी ली है, और यहाँ पे शाहिदा हन्ना अब चाय पी रही हैं, और साथ ये मेरे लिए लेके आए थे नमक पारे और साथ बदाना, जो ना यहाँ से मिलना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने स्पेशल चची से मंगवाए हैं, मिलते नहीं है। हाँ ये वजह है, तो हम यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ मज़ा आ गया मुझे खा के चाय के साथ, बचपन में मैं ऐसे खाती थी, दो तीन साल हुए मैं खा, मुझे यहाँ से मिलना मुश्किल है, मिलते नहीं है यहाँ से। ये गाइस आपने मरियम की वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। हाँ चलिए आप चाय पिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ओके तो इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी था मेरा और बहुत मजा आया मुझे, तो देखें सारे मैंने बर्तन वॉश करके रख दिए, किचन साफ कर दिया, नीट एंड क्लीन कर दिया सब कुछ। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, तो बहुत जल्द आपको मिलेगी। मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, मैं रेस्ट करने लगी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ मैं, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाए, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, मेरे भी 1 लाख कर दें जल्दी जल्दी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो कुछ दिन के लिए मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैं अपना कोई
व्लॉग अपलोड करूंगी। अल्लाह हाफिज़। मुझे और मेरे सारे घर वालों को अपनी दुआ में लाजमी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।